हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 17,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल मरीजों की संख्या 17,265 हो चुकी है। इसमें से 547 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 2,547 लोग ठीक भी हो चुके हैं। और इस बीच लॉकडाउन का आज छठवां दिन है। वहीं लॉकडाउन के दूसरे चरण के पूरे होने में अब 13 दिन बाकी हैं और आज से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी गई है। हरियाणा में भी जिन जिलों में 10 से कम मरीज हैं उनको राहत दी गई है। हालांकि रेड जोन वाले इलाकों को कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू कर दी गई है। एनएचएआई ने भी हाईवे पर टोल वसूली के आदेश दे दिए हैं, लेकिन थोड़ी नरमी क्या कारगर साबित होगी या फिर लॉकडाउन में राहत देना एक आफत बन सकती है और लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट देने से आप अर्थव्यवस्था पटरी पर लाई जा सकती है, ये इसको इस मकसद के साथ इस कोशिश को पूरा किया गया है, इसीलिए लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। वहीं देश भर में राज्यों ने अपने हिसाब से छूट दी है और अलग अलग राज्यों के मुताबिक इसमें जिन इलाकों को ग्रीन जोन में माना जा रहा था उन इलाकों में छूट दी गई है और देश भर के अलग अलग राज्यों के द्वारा अपने स्तर पर ये कदम उठाए गए हैं। हरियाणा में रेड जोन इलाकों को किसी भी रूप में राहत नहीं दी गई है और हरियाणा में रेड जोन इलाकों में, क्योंकि गुरुग्राम भी शामिल है, तो ऐसे में गुरुग्राम में किसी भी रूप में कोई राहत नहीं है। जिस रूप में इससे पहले तक लॉकडाउन का निर्देशों का पालन हो रहा था गुरुग्राम में, उसी रूप में आगे भी उन्हीं चीजों को फॉलो किया जाएगा। लेकिन छूट के लिए अगर किसी भी रूप में आपको इन इलाकों में अनुमति लेनी होगी, ये बेहद जरूरी है। 10 से कम मरीज वाले जिलों को छूट दी जा रही है, ये इस बीच एक अहम जानकारी भी सामने आ रही है। वहीं अस्पतालों में ओपीडी सेवा शुरू की गई है। एनएचएआई ने हाईवे पर टोल की वसूली चालू की है और बीते रोज की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें तैयारियां किस रूप में हो रही थी वो हमने आपको दिखाया था। लेकिन अब तक भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है और आज से कई क्षेत्रों में छूट मिल रही है। और साथ ही आपको बता दें, हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक अहम जानकारी ये भी कि अभी तक सरसों की खरीद की जा रही थी और आज से गेहूं की खरीद भी शुरू हो रही है, तो यहां किसानों के लिए कुछ हद तक राहत भी दी गई है। कुछ मशीनरीज की दुकान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे औजार होते हैं जिनको रिपेयर करने के लिए, उनको ठीक करवाने के लिए किसानों को कुछ ऐसे टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी दुकानों को जरूर इस दौरान खोलने की बात की गई थी इससे पहले, तो राहत उसमें भी दी गई है। लेकिन समय अवधि के साथ ही उन चीजों को पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ जब इन चीजों का पालन किया जाएगा तो साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है। लेकिन वहीं यूपी में कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, मध्य प्रदेश में भी कुछ जिलों में छूट दी गई है, बिहार में सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। इसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है और साथ ही जिन राज्यों के अंदर कुछ हद तक छूट दी गई है वहां पर, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया गया था कि यह छूट सशर्त होगी, यानी कि कुछ शर्तों के साथ इस छूट को दिया जाएगा, तो वो शर्तें जो हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना होगा, अनुमति आपको लेनी होगी विभाग के द्वारा। यदि आप ऐसे जोन में हैं जहां पर आवाजाही शुरू हो चुकी है तो सिर्फ चुनिंदा चीजें, सिर्फ चुनिंदा जो कामकाज है वही उसमें उनको राहत दी गई है, बाकी सभी चीजें अभी भी पहले की तरह ही हैं और कुछ चीजों के अंदर राहत दी गई है। ऐसा नहीं कि जिन जोन के अंदर अगर ग्रीन जोन है तो पूरी तरीके से आवाजाही शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वहां पर सिर्फ कुछ एक चीज ऐसी है जिनमें राहत दी गई है, सिर्फ उन्हीं को अनुमति मिली है और थोड़ी नरमी से कितना ये कारगर कदम माना जा सकता है, क्या अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस लौटेगी, एक बड़ा चिंता का कारण भी नजर आया। लेकिन आपको बता दें कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या का जो आंकड़ा है वो 17,000 को पार कर चुका है। लगातार हम आपको ये जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल मरीजों की संख्या 17,265 तक पहुंच चुकी है। और ऐसे ही कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको जरा बात करने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे, हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर पंकज वत्स जी आपका कार्यक्रम में। मैं जरा कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहता हूं कि अब हम क्या स्थिति में, क्योंकि हम हर रोज के आंकड़ों के मुताबिक हम एनालाइज कर रहे हैं कि अब हम किस स्थिति में हैं,
तो आज आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो आज की तस्वीर क्या नजर आ रही है और आंकड़ों के जरिए अभी क्या नजर आता है, भारत किस स्थिति में है, हरियाणा की स्थिति क्या है? देखिए, रेड जोन जो है उसमें तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज नजर आ रही हैं आपके गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल और नू ब्लॉक में। ये कंपोजिट यूनिट है, मैं पहले भी आपको कह रहा था कि ये दो जो बने हैं, पलवल और जो हथीन बना है, मेवात जो बना है, ये गुड़गांव और फरीदाबाद के ही भागों में से निकला है। तो देखा जाए तो वर्चुअली ये एक ही यूनिट है, इसलिए अगर वहां पर किसी तरह का संक्रमण होता है तो उसका इन दोनों जिलों में आना स्वाभाविक है। मेडिकल फैसिलिटीज भी वहां पर कम है और वहां से पेशेंट्स भी यहां पर आते हैं, रहने सहने के लिए भी आपस में आना जाना इन जिलों का बना रहता है, इसलिए चार जिलों में अगर सामूहिक संख्या को देखते हैं तो चारों जिलों को रेड जोन ही माना जाएगा। ठीक है, बाकी जगह पे जैसे मैंने कहा कि हाईवे की जो बेल्ट है, जो लोग यहां से आते जाते हैं तो सोनीपत, पानीपत और आगे फिर आपका पंचकुला, अंबाला, अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में, क्योंकि मूवमेंट्स किसी न किसी रूप में होते रहे हैं, हो रहे हैं, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि वहां पर भी चीजों की संभावना है। बाकी जिले जो है वो अभी सुरक्षित हैं जी, ग्रीन और ऑरेंज जोन में हैं। अब जो लेटेस्ट जो आज जो रिलैक्सेशन मिली है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है कि जो हाईवे पे जो रेस्टोरेंट्स या होटल या ढाबे वो खुलेंगे, उनको परमिशन दी जा रही है, और साथ में जो मैकेनिक्स की शॉप्स हैं, टायर पंचर की शॉप्स हैं, इस तरह की शॉप्स को भी वहां खोला जाएगा। उसके कारण हाईवे पे एक्टिविटीज होगी और काफी हाईवे जो है वो हरियाणा के विभिन्न भागों में से गुजरते हैं। ठीक है, और ये अब कॉमन स्पॉट हो जाएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे यहां से गुजरेंगे, यहां रुकेंगे, खाना खाएंगे या कोई कोई किसी ना किसी रूप से सहायता में रहेंगे। लेकिन लेकिन डॉक्टर पंकज वत्स, क्या ये मुश्किल नहीं होगा, क्या ये मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अभी तक लोग आइसोलेट हैं या फिर बहुत सारे ऐसे जो मजदूर तबके के लोग हैं या जो ढाबा संचालक थे या उनके ढाबे के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, वो कई लोग तो ऐसे हैं जो पलायन कर चुके, अपने गाँव तक पहुँच चुके हैं, और यदि उनको वापस कहा जा रहा है कि आपको ढाबे खोलने हैं, संचालित दोबारा से करने हैं, तो ये उतना ज्यादा कारगर या फिर उतना ज्यादा नजर आएगा कि ढाबे खुल पाएंगे, उतना सब कुछ हो पाएगा, वापस से बैलेंस हो पाएगा, पटरी पर सब कुछ चीजें आ पाएंगी? नहीं, एक्चुअली जो खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स हैं बाकी हैं, तो वहां पे जो लोग काम करने वाले हैं अधिकतर बाहर के नहीं, वही लोकल लोग ही होते थे, साथ में गांव के। वही मैं आपकी बात आपको ध्यान देना चाह रहा था जी। तो वो जो लोग वहां पे काम करते थे वो आसपास के लोग ही, गांव के आसपास के लोग ही होते थे, या तो बड़े बड़े ढाबे थे तो वहीं पे उनकी रहने की व्यवस्था थी, या गांव के से आसपास के गांव से लोग आते थे और वहां पे सब्जियां, दूध, डेयरी का सामान भी गांव से ही आता था। और दूसरा, जब ये खुल जाएंगे तो गांव से भी लोग वहां पे भी खाने पीने के लिए आ सकते हैं, तो ये कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे जहां से स्प्रेड, कोरोना स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए सरकार को इसकी तरफ विशेष ध्यान देना होगा, इन स्थानों पर ज्यादा विजिलेंट होने की आवश्यकता है, यहाँ पर आने वाले स्टाफ की भी जांच करना आवश्यक है। और अगर देखिएगा, वुहान में परमिशन मिली है कि वुहान से बाहर जो लोग जाएंगे वो वहां पे कोरोना वायरस का टेस्ट कराएंगे, और जो नई जगह जाएंगे वहां पे एक हफ्ते में उस रिपोर्ट को वहां के अधिकारियों को देना होगा, और संक्रमित समय के बाद ही वो अपने काम पे लौट पाएंगे। उसी तरह की कोई ना कोई प्रक्रिया हमें करनी होगी कि ये जो जो ट्रांसपोर्ट, जो ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और उनके साथ जो स्टाफ, हम तीन आदमियों को जो परमिशन देने की बात कर रहे हैं, वो जो अपने प्रदेश से जाए तो उनकी भी जांच जो है आवश्यक रूप से उनकी जांच करके डाटा तैयार किया जाए। और ऐसे ऐसे हाईवे के जो स्पॉट्स हैं जहां पर ये रेस्टोरेंट्स हैं बाकी हैं, उनको भी इस दृष्टि से देखते हुए वहां के लोगों की भी जांच करके एक डाटा बेस तैयार किया जाए, ताकि कहीं पर भी कोई भी संक्रमण मिलता है तो फिर इजीली इसको ट्रेस किया जा सके कि ये ड्राइवर कहां कहां गए थे, कहां कहां खाना खाया और वहां पे कौन कौन लोग काम कर रहे थे। के लिए उन ढाबा संचालकों और ढाबों के बारे में जानकारी पिन पॉइंट करना जरूरी है, क्या बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे ढाबे होते हैं और हाईवे पर तो बहुत संख्या होती है उनकी, और वहीं पर ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं,
तो ये वहां पर जैसा कि आप कह रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा पॉइंट भी है कि अगर वहां पर संक्रमण होता है और वहां पर अक्सर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो अगर ऐसा होता है कि नजरअंदाज वहां उन इलाकों को किया जाता है या फिर लापरवाही वहां पर कुछ हद तक भी हो जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का अगर ध्यान नहीं रखा जाता है, तो जाहिर है कि ये जो राहत है वो आफत बन सकती है फिर तो। बिल्कुल आफत बन सकती है, इसीलिए मैंने आपका ध्यान आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान भी इस तरफ दिलाया है कि जो मूवमेंट्स कर रहे हैं उन ड्राइवर कंडक्टर और उनके साथ जो साथी हैं, 2-3-4 अलाउ कर रहे हैं, उनका डाटा बनाना और इनका डाटा बनाना बहुत आवश्यक है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस जिस जिले से रेस्टोरेंट्स आते हैं, ये ढाबे आते हैं, उनके चिकित्सा अधिकारी चाहें तो वहां पे रैपिड टेस्ट करके वहां पे जो स्टाफ रहने वाला है उसकी पहले से ही जांच कर लें, या फिर एक किस्म ये भी हो सकता है कि क्यों ना उन ढाबे बने हुए हैं हाईवे पर, हम उनको स्क्रीनिंग सेंटर के तौर पर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए वहां पर इक्विपमेंट यदि उपलब्ध करा, वहां पर एक टीम हो ताकि जो हर ड्राइवर है या फिर जो वहां जो ढाबे के अंदर स्टाफ है उनकी स्क्रीनिंग की जा सके, और अगर कोई ऐसा केस सामने आता है तो वो एक पकड़ भी होगी ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए जो अभी तक छुपे बैठे हैं। देखिए, इसमें स्क्रीनिंग तो वहां के विजिटर्स की कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रस्ताव ये है कि जो ढाबे में काम करने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए और उनको वहीं पर उसी एरिया में ही रहने की इजाजत दी जाए, उसके एरिया से बाहर ना जाए, और उनकी जांच कर ली जाए, ऐसे ही ड्राइवरों की भी जांच कर ली जाए, क्योंकि अधिक लोग वहां पे कॉन्टेक्ट में आएंगे, अगर हम उनको पहले से ही देख लेंगे कि वो संक्रमित नहीं है और ढाबे के लोग जो काम कर रहे हैं वो भी संक्रमित नहीं है, तो आपस में एक दूसरे को संक्रमण पहुंचने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए ढाबे में काम करने वाले लोगों के और ड्राइवर कंडक्टर इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, और वैसे भी हमने अब जो है वो टेस्ट ज्यादा करने हैं, सोशल स्क्रीनिंग भी करनी है, तो वो स्क्रीनिंग भी इसके माध्यम से आसान हो जाएगी, काफी लार्ज इनपुट हमें मिलेंगे और इसको आवश्यक कर दिया जाना चाहिए। हाँ, वहां पे रेस्टोरेंट्स में आने वाले जो लोकल लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनका थर्मल स्क्रीनिंग करके और उनको स्क्रीनिंग स्पॉट भी बनाया जाए, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। हमने देखा था कि दिल्ली के एक इलाके से जो जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, पिज्जा डिलीवरी बॉय जो सर्कुलेट करता है वो, उसकी वजह से अलग अलग लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं, उनका अलग ही टेस्ट किया जाता है, तो क्या ऐसा नहीं कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर या फिर कोई भी ऐसा शख्स जो ट्रेवल कर रहा है और उसमें कोरोना का संक्रमण पाया जाता है, तो एक जगह ढाबे पर रुकता है, तो वहां वो किन लोगों से मिलता है, संक्रमित होता है या उस चेन को आगे बढ़ाता है, फिर आगे जाता है वो कहां कहां पर रुकता है, किन जगहों पर वो लोगों से मिलता है, ये मेरा सवाल ये है कि कितना और भी ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है या वाकई में राहत की तरफ ही एक कदम है। लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई है जिस वजह से हमारा संपर्क डॉक्टर पंकज वत्स से टूट गया है, लेकिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या आंकड़े को लेकर के हम आपको लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं, और इसको लेकर के एक और खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रूबीना केडी सिंह इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। रूबीना जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम लगातार उन चीजों को लेकर के और आज की अपडेट जो सामने आ रही है, कुछ सेक्टर्स के अंदर राहत दी जा रही है, तो राहत कहीं आफत ना बन जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हाईवे पर जो ढाबे हैं उनको भी खोला जाएगा, ट्रक ड्राइवर्स आवाजाही कर पाएंगे पूरी तरीके से, तो अगर ऐसा होता है कि इसमें से कोई भी एक शख्स अगर संक्रमित होता है तो ये चेन क्या आगे नहीं बढ़ेगी, क्या ये चेन अगर एक ढाबे के अंदर वो ड्राइवर पहुंचता है, वहां से दूसरे ढाबे में पहुंचता है, तो ये चेन और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ये संकट और ज्यादा गहरा नहीं हो जाएगा क्या, ध्यान रखना होगा ज्यादा? इम्तिहान की घड़ी अब शुरू हुई है, तो ऐसे में क्या है कि मेरे ओपिनियन में कि ये जो सारे ड्राइवर्स हैं इनका पहले ही टेस्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इनको अलाउ करना चाहिए ट्रैवल करने का, सो दैट ये आगे जाके ट्रांसमिशन जो है वो ना करे। तो इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको। ठीक है, यानी कि उन एम्प्लॉयर्स जो जिनके एम्प्लॉय हैं वो
ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ढाबा संचालकों को ध्यान रखना होगा। और इसी बात का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे कि थर्मल स्क्रीनिंग के लिए ऐसे पॉइंट्स पर जरूर जगह को चिन्हित करना चाहिए ताकि वहां पर आने वाले ट्रक ड्राइवर को भी उनकी स्क्रीनिंग की जा सके और साथ ही साथ जो ढाबा स्टाफ है उसको भी स्क्रीन किया जा सके। इस बीच हमारे साथ एमडी आयुर्वेदा डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है परमेश्वर जी आपका कार्यक्रम में। हम अब उस नए फेज में आ चुके हैं जहां पर कुछ रियायत दी गई हैं, सशर्त रियायत दी गई हैं, इसमें मैं जोड़ना ये भी चाहूंगा, शर्तों के साथ जो छूट मिली है ये कितनी सही है और क्या अब असली दौर आ चुका है, वो असली समय आ चुका है जब मुश्किल भरा समय है, हमें बहुत ज्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। शुभेंदु, ये रियायत एज ए क्लिनिशियन तो मुझे बहुत भा नहीं रही है, क्योंकि ये हमारी एक मजबूरी है कि हमें ये रियायत देनी पड़ रही है, क्योंकि देश को भी चलाना है, लोगों का ध्यान रखना है। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब तक कि इस जनपद ध्वंस से हम पूरी तरह निकल नहीं जाते, तो जो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ केयर है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, अब उसका वायोलेशन शुरू होना जा रहा है। तो बेसिकली बहुत ही एहतियात का समय है। और जैसे कि अभी उससे पहले डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर रवीना ने, कि आप जो लोग भी सड़क पे मूव कर रहे हैं, अब चाहे वो एक ड्राइवर हो या कोई डिलीवरी बॉय हो या कोरियर ले जाने वाला कोई शख्स हो या डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने वाला कोई अपना हेल्थ कर्मी भी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, तो आज उनकी एक निश्चित समय के अंतराल पे जो है टेस्टिंग की और थर्मल स्क्रीनिंग जो है उसको मैं बहुत रेलिवेंट नहीं मानता हूं। यहां पे हमें जो है रैपिड जो हम कोरोना टेस्ट कर सकते हैं तो हमें जरूर उनका कोरोना टेस्ट करना चाहिए और टाइम टू टाइम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मूव कर रहे हैं ये जान लीजिए कि वो जो है वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो बहुत बहुत पोटेंशियल कैरियर बन सकते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि ये अभी बिल्कुल भी रिक्वायर्ड, जब तक हम इस जनपद ध्वंस यानी कि इस महामारी से यानी कि इस पेंडेमिक से हम बाहर नहीं निकल जाते, तो जो फॉरमोस्ट या फर्स्ट लाइन ऑफ एडवाइस थी हम उसका वायोलेशन करने जा रहे हैं अपनी मजबूरी के चलते। हम एक चीज और भी समझ रहे हैं कि हमने दुनिया को तो देख लिया, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि केसेस कम हुए, उन्होंने छूट दी और रियायत मिलने के बाद वहां पर केसेस भी सामने आए, तो हम वहां की तस्वीर अगर चीन को देखें या अमेरिका को देखें तो ऐसी जगहों को देख करके हमें कुछ और भी सीख लेने की जरूरत है कि अगर रियायत भी दी गई तो और उनमें क्या शर्त जोड़ी जा सकती है या किन बातों का और ध्यान रखा जा सकता है। परमेश्वर जी, देखिए सबसे पहले तो अपने दिमाग से जो है जो अपना इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था जो एक शब्द दिया जा रहा है, चरमरा जाएगी या इकोनॉमिकली हम टूट जाएंगे, हम पीछे हो जाएंगे, मुझे लगता है कि इन सब एक्सक्यूजेस को तो एक साइड में रख देना चाहिए। सबसे पहले तो जान है तो जहान है। अगर आपका टारगेट यह है कि हम किसी भी व्यक्ति की एक तरह से कैजुअलिटी इस महामारी से नहीं होने देंगे, डेथ नहीं होने देंगे, हम अपने देशवासियों को मैक्सिमम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आज कम से कम जो है मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कहां से इंतजाम करना है, उनके पास अपने फंड्स होते हैं, लोग बहुत अमीर हैं, मंदिर हमारे जो है खजानों से भरे पड़े हैं, कौन हेल्प करेगा मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन एज ए क्लिनिशियन मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इस पेंडेमिक में सबसे पहला जो फॉरमोस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, वो हमको मेंटेन रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। लोगों को जब तक ये पेंडेमिक खत्म ना हो जाए घर में रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। चाहे आप आयुर्वेद की बात करें, चाहे आप किसी और चिकित्सा पद्धति की बात करें, जनपद ध्वंस जब तक है व्यक्ति को अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। हाँ, अति आवश्यक कार्य सुभेंदु, जैसे अभी लॉकडाउन में हम था कि हमें खाना उपलब्ध कराया जा रहा था, हमें मेडिसिन उपलब्ध कराई जा रही थी, मुझे लगता है कि बहुत एसेंशियल सर्विसेज जो थी वो उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि अभी अगर हम आगे बढ़े तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन एक गाइडलाइन भी जारी की गई कि आयुष मंत्रालय को निर्देश भी दिए गए हैं कि आप ये बताएं कि कैसे कैसे और क्या चीजें हैं, जैसे कि काढ़ा, हम शुरुआत से ही जब इन चीजों को कहीं पर भी नहीं उतना सार्वजनिक किया जा रहा था, हम लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए परमेश्वर जी लगातार इस बात को बता रहे थे कि काढ़ा पीना ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, पानी लगातार पीना ये आपके गले को ठीक रखेगा, क्या वो चीजें हैं एक बार फिर से परमेश्वर जी, क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन की अवधि बढ़ चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तक जिनके पास ये जानकारी नहीं पहुंची है, तो कैसे और काढ़े का उपयोग कैसे किया जा सकता है, फिर उसके बाद मैं जरा पंकज वत्स जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं उनका भी रुख करूंगा। देखिए शुभेंदु, जैसे पहले बताया जा रहा है कि अगर हम एकदम सिलसिलेवार चलें कि एक लाइन से शुरू करें कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं एक सामान्य जन को इस महामारी से बचने के लिए, तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को नंबर वन पे रखा जाएगा। एंड इन केस आपको बहुत इमरजेंसी, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, कैप का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें,
एंड उसके बाद नंबर दो पे जो है फिर आता है कि हाइजीन, हाइजीन में ओरल हाइजीन आ रहा है, हैंड हाइजीन आ रहा है, उसको आप जो है जरूर एहतियात बरतें, जब भी घर से बाहर जाएं तो आप अपने को कवर करके जाएं और अंदर जब आएं तो आप हाथ धोकर ही, शूज चप्पल सब बाहर रखकर ही जो है आप अंदर घर में जाएं। तो इस तरह के एहतियात का नंबर तीन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है इम्यूनिटी बढ़ाना, क्योंकि सारे डाटा हमें ये क्लियरली बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, यानी कि जो बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो जो है कहीं ना कहीं इस महामारी के चपेट में आ रहे हैं। तो आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी करनी है और इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए दो तीन चीजें बहुत ही पॉपुलर हैं, जैसे गिलोय हमारे भारतवर्ष में आज बहुत पॉपुलर है कि गिलोय से जो है अगर लगातार आप सेवन करते हैं, तो जिन लोगों ने आज से 20-25 दिन पहले गिलोय का सेवन शुरू किया था आज उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती जा रही होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और वाइटामिन सी के रूप में च्यवनप्राश को मैं हमेशा रिकमेंड कर रहा हूं, च्यवनप्राश खाएं ये, और आपका सात्विक भोजन, अल्प आहार, जो घर का बना हुआ ताजा गर्म खाना, ये सब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपकी अच्छी लाइफ स्टाइल, समय से सोना, समय से जागना, ये सब चीजें जो है वो आपको एक तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और योग, योगाभ्यास, आप सुबह शाम जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, फिजिकल योगा कीजिए, ये सब भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया कि ये अपने अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। उसके बाद क्या है कि आज क्योंकि ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, कंटेजियस डिजीज है, कहीं ना कहीं हमारी एयर दूषित है। अब यहां पे शुभेंदु दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पहली बात ये कि इसको आज तक हम 100% ये डिसाइड नहीं कर पाए कि ये ड्रॉपलेट काइंड ऑफ इन्फेक्शन है या एयर के थ्रू भी ट्रेवल होता है, लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि मेजोरिटी ऑफ केसेस इसमें जो है वो ड्रॉपलेट काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे एक प्रचलन है कि बाद में बाहर थूक देता है कोई ना कोई, हमारा जो है ड्रॉपलेट, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं फिर भी आपके मुंह से थूक निकलती है, धूल में जमीन पर पड़ती है, लेकिन ये धूल जो जमीन में पड़ी है, मिट्टी जो जमीन में है, यही उड़ करके धूल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि अगर मेजोरिटी में हम इसको ड्रॉपलेट काइंड ऑफ इन्फेक्शन भी माने तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में या लेसर कंटेंट इसका जो है हम वो मान के चलेंगे कि ये जो है एयरबोर्न हो सकता है, एयर से भी ट्रेवल कर सकता है। तो ऐसे में आपको अब देखिए सिंपल सिंपल चीजें आपके किचन की, लेकिन वो आपके आप इस वायरस से बचाव के लिए देखिए एक मेडिसिन की तरह काम करेगी। जैसे आप दिन भर लौंग और काली मिर्च या अजवाइन चूसिए, देखिए बिल्कुल सिंपल है शुभेंदु, आपको केवल काली मिर्च चूसनी है, आपको लौंग चूसनी है और अजवाइन चूसनी है, और संभावना कितनी अधिक है कि अगर किसी तरह से दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली वो वायरस कंटेनिंग ड्रॉपलेट आपके मुंह में पहुंच जाती है तो वो आपका जो काली मिर्च है वो इतनी शक्तिशाली है, इस वायरस की प्रारंभिक अवस्था से हमारी काली मिर्च, हमारी लौंग इतनी शक्तिशाली है कि उसको वह मुंह में रोग शुरू करने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर देगी, खत्म कर देगी, ऐसी संभावना है। उसके बाद नंबर दो पे अगर वो थोड़ा नीचे पहुंच जाता है तो हमारे रिकमेंडेशन है कि आप नमक और हल्दी, देखिए दोनों बहुत अच्छे एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटी माइक्रोब है, तो इन दोनों से आप गरारे करें तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप जो है दिन में दो बार या एक बार कम से कम जो है आप हल्दी, नमक, नमक में सेंधा नमक को प्रेफर कीजिएगा, वो गर्म पानी में डाल करके आप गार्गल कर लीजिए, उसके बाद नमक हल्दी के पानी की आप भाप लीजिए, तो हमारा जो नेजल वेज है, जो एक तरह से हमारी नाक के अंदर तक की गहराइयों में अगर कहीं इस तरह का दुर्भाग्य से वायरस पहुंच गया तो वो हमारी जो भाप है नमक और हल्दी के पानी की वो सक्षम है किसी भी वायरस को इनिशियली, देखिए कोरोना जो है ये भी पहले दिन डिजी नहीं देता, आप देखिए लोग कह रहे हैं कि 10 दिन तक तो आपको सिम्टम ही नहीं आता, इसका मतलब है ये अपनी कॉलोनी बढ़ा रहा होता है, ये अपनी संख्या बढ़ा रहा होता है, अपने पैर पसार रहा होता है, शुरू में ये कमजोर होता है, वहां शुरू में यदि हम इन सब चीजों का सेवन करेंगे और ये सारी चीजें हमारे आहार का भाग है, इनसे नुकसान कुछ होना नहीं है बल्कि अच्छा है, आपका गला तर रहेगा ये आप करेंगे। बिल्कुल, बचाव के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और साथ ही एक काढ़ा मैं बोलना चाह रहा था लेकिन आप मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं बताइए बताइए। उसके बाद फिर हम लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एक काढ़ा बनाइए, उस काढ़े में 11 चीजों के नाम हम ले रहे हैं जो हमने एक बहुत विचार करके उस काढ़े को बनाया है, लेकिन ये भी साथ में है कि आपके पास इन 11 में से जो भी उपलब्ध हो वो आप डालिए, जिसमें सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर, काली मिर्च, पिपली पाइपर लोंगम यानी कि बड़ी ब्लैक पीपर, लॉन्ग पीपर बोलते हैं इसको, एंड इसके बाद इसमें जो है आप लौंग, इलायची, दालचीनी, इलायची में हम बड़ी इलायची को रिकमेंड करते हैं, उसके बाद हरिद्रा यानी कि हल्दी, एक जड़ी होती है दारू हरिद्रा, पंसारी भी रखते हैं उनके यहां से आप ला सकते हैं, मुलैठी और तुलसी और गिलोय, ये 11 चीजें हैं, यदि आप इनको जितना भी आप 6 चीजें आपको मिले, 5 चीजें आपको मिले,
आप घर में जो है इनको चाय में डाल करके सेवन करें या आप काढ़ा बना करके सेवन करें, अपने स्वाद के हिसाब से और अपनी प्रकृति के हिसाब से, जितनी मात्रा में आपको पेट में गर्मी ना लगे, जितनी मात्रा के हिसाब से आपका पेट खराब ना हो, आपके मुंह में छाले ना पड़े, आप हल्की मात्रा में इसको लेते हैं दिन में दो बार, आप देखिए बहुत अच्छा होगा। साथ में एक चीज और शुभेंदु, मुनक्का का सेवन करें, मुनक्का हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, सुपाच्य है और हमारी एनर्जी को बढ़ाता है, बहुत ज्यादा होता है और गर्मी अब लगभग शुरू हो चुकी है तो गर्म ज्यादा होता है ये मुनक्का। नहीं नहीं नहीं, मुनक्का आप बिल्कुल ले सकते हैं साहब, मुनक्का जो है उसे आप पानी में भिगो करके दूध में उबाल करके आप बिल्कुल मुनक्का लीजिए, चार दाने सुबह चार दाने शाम को मुनक्का, आपको कोई गर्मी नहीं करेगा, आप निश्चित रूप से मुनक्का का सेवन कर सकते हैं। चीनी की जगह जो है गुड़ का सेवन कीजिए, गुड़ जो है वो अच्छा होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें लेकिन जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, और बहुत बहुत ज्यादा लाभदायक आपको वो चीजें बताई हैं जो आप घर में रह करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार और एक मिनट आपको बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं, अगर इस जनपदोध्वंस यानी कि इस महामारी इस पैंडेमिक को हमको जीतना है तो आज ये कहने में मुझे हरियाणा न्यूज के माध्यम से बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि इसमें आयुर्वेद अग्रणी भूमिका निभाएगा। अगर आयुर्वेद को हमने शामिल नहीं किया तो ये जान लीजिए कि हम इस पैंडेमिक से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए किया गया है, इसीलिए शामिल किया गया प्रधानमंत्री ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शुभेंदु कि अभी थोड़ा सा प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं अभी लोगों तक सही मैसेज नहीं जा रहा है, नहीं जा पा रहा। कुछ लोग जो है इसे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से अफवाह फैलाने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा। ऐसे कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर या ऐसा कोई भी साइंटिस्ट जो आयुर्वेद की बातों को फ्रॉड कहे या आयुर्वेद के नुस्खे अपनाने के लिए जनता को हतोत्साहित करे, लेकिन ये गाइडलाइंस भी दी गई है, ये तो बाकायदा गाइडलाइंस भी दी गई है कि आपको काढ़ा पीना चाहिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, मैं जरा आता हूं आपके पास सर। रूबीना हमारे साथ कार्यक्रम में है और डॉक्टर पंकज वत्सी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए। रूबीना, मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं कि रेड जोन में और खास करके गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम को रेड जोन में रखा गया तो बहुत बेहतर रहा है कि रेड जोन इलाकों में कोई भी गतिविधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, ये अच्छे संकेत हैं। बिल्कुल, पहले मैं डॉक्टर साहब ने बहुत ही विस्तार तरीके से हमारे को काढ़ा के बारे में बताया, मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी जो है वो एक दिन में नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि वो आज एक काढ़ा पी रहे हैं और बाहर शाम को घूमने जा रहे हैं, ऐसा नहीं वो कर सकते। ओवरऑल आपको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, घर पर रहना ही पड़ेगा। ये इम्यूनिटी जो है एकदम से बिल्डअप नहीं होगी, ये आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा इस बिल्डअप करने में। लेकिन ये नहीं कि अगर मैं तो काढ़ा पी रहा हूँ मैं तो कहीं बाहर भी घूमने जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। आई थिंक ये मिसकंसेप्शन पे लोगों की तरफ जा सकती है। जहां पर हमने रेड जोन की बात करी है वो एरिया जो कंटेन हो चुका है, आई थिंक वो सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है कि उसमें कोई कुछ भी खोला नहीं है, उन्होंने अभी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो आई थिंक वो एक उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है जिसमें आगे इस पेंडेमिक में आगे ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में उनको बिल्कुल ही लीनियंसी दे देनी चाहिए, लेकिन उनको उधर भी अपने प्रॉपर एहतियात जो है वो लेते रहना चाहिए। ठीक है, मैं डॉक्टर पंकज वत्स ये भी समझना चाह रहा हूँ कि हम जब पहले से ही असेसमेंट कर रहे थे कि आंकड़े धीरे धीरे कम होंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, बीते 24 घंटों का भी आंकड़ा देखें लगभग हर रोज के हिसाब से अब 1000 के आसपास जो नए केस हैं वो सामने आ रहे हैं, तो अब ये जो बढ़ते मामले हैं ये चिंता का कारण हो गए हैं? ये जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनमें से जो तेजी के साथ मामले आ रहे हैं सामने, चाहे वो मेवात मुंह की बात की जाए, पलवल की बात की जाए, तो ये कितना चिंता का कारण बन रहा है? देखिए, चिंता का कारण तो है, कल के जो आंकड़े हैं वो 1400-1500 बढ़े हैं एक दिन में, लेकिन अब जो है टेस्टिंग भी ज्यादा बढ़ी है, टेस्टिंग के एरियाज भी ज्यादा बढ़े हैं, और दूसरा जो ऑलरेडी संक्रमित लोग थे उनके जो कांटेक्ट के लोग हैं जब उनकी जांच की जा रही है तो उनके भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। एक एक परिवार से 20-25 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संक्रमण तो बढ़ रहा है लेकिन लोकलाइज्ड है, उसका संक्रमण जो ऑलरेडी संक्रमित लोग हैं उसके आसपास के और उसके कॉन्टेक्ट के लोग ही हैं। इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा था कि जो नई रिलैक्सेशन दे रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि संक्रमित व्यक्ति अपने लोकेशन ना छोड़े, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, या वो यहाँ पर हाईवे पे काम करने वाला, किचन में काम करने वाला व्यक्ति है, सर्व करने वाला व्यक्ति है,
तो कहीं ऐसा ना हो कि वो संक्रमित व्यक्ति अनेक लोगों तक पहुंचा पाए। अभी तक क्योंकि हम ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं और इसलिए जो संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो इसी कारण हो रही है कि हम आइडेंटिफाई करने में सफल हो रहे हैं। नहीं तो इसको हम इस तरीके से देखें कि ज्यादा हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए वो संख्या बढ़ रही है। स्क्रीनिंग भी टेस्टिंग भी कर रहे हैं और एक बात का भी ध्यान रखेंगे, देखिए एक व्यक्ति को जो संक्रमण होता है तो वो आसपास के कितने लोगों को संक्रमित करने की कैपेसिटी रखता है। अगर वो 9-10 दिन तक ट्रेवल करेगा तो 400-500 व्यक्तियों तक उस चीज को बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि अगर ध्यान नहीं रखा गया ऐसी परिस्थिति में हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ हमें छोटे से बिल्कुल इसीलिए हम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, ऐसी ही परिस्थिति में हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे जो अभी तक छुपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और ये भी कहा जा रहा है कि मरकज से निकले हुए लोग जो अलग अलग राज्यों के अंदर हैं उसमें से काफी हद तक लोगों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ किए बैठे हैं ताकि वो ट्रेस ना हो सके। तो ये बड़ी मुश्किल वाला समय है और ऐसे लोगों तक पहुंचना प्रशासन के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर जब वापस लौटेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि जब इस लॉकडाउन के समय में कुछ हद तक रियायत दी गई है सशर्त, तो ऐसे में हमें क्या और चीजें हैं, ग्रामीण इलाकों में किन बातों का ध्यान रखना है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। बहुत सारे सवाल हैं और आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे जो कि हमने अपने इस कार्यक्रम के जरिए साझा किए हैं और आगे भी हम उनको साझा करेंगे क्योंकि लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं जो कि सोशल मीडिया पर अफवाह की तरह तैर रहे हैं, जरा उनका भी हम जवाब लेंगे। जरा मैं शुरुआत करता हूं परमेश्वर जी, ये हम एक अफवाह ये भी चल रही है कि च्यवनप्राश, जैसा कि आपने कहा था कि च्यवनप्राश अगर हम खाते हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि गर्म बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो गर्मी करते हैं, तो अगर च्यवनप्राश, क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है इसलिए नुकसान देता है। शुभेंदु, इसमें सच्चाई नहीं है क्योंकि आपने बताया कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो गर्म होते हैं, तो सबसे मुख्य द्रव्य जो इसमें पड़ा होता है जो वो तो है आंवला, और आंवला जो है वो तासीर में ठंडा होता है, तो और दूसरा इसके अंदर मिश्री डालते हैं वो ठंडी होती है, फिर इसमें घी पड़ता है वो भी पित्तशामक होता है, साथ में वासा बहुत अच्छी मात्रा में पड़ता है वो भी ठंडा होता है, तो कहीं ना कहीं, और दूसरा जो ऊपर चीजें पड़ती हैं, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, जो भी चीजें पड़ रही हैं, ओवरऑल जो इसका कंपोजिशन है वो एक तरह से ना उसे हम ठंडा कहते हैं ना उसे गर्म कहते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि च्यवनप्राश के बारे में जब हम शास्त्र में पढ़ने जाते हैं तो शास्त्र बोलता है कि जब गर्मी सताए तब आप च्यवनप्राश का सेवन करें, जब आपको गर्मी की वजह से घबराहट हो या गर्मी की वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही हो या आपकी नाक से खून जा रहा हो तो भी आप च्यवनप्राश खाएं। तो रक्त पित्त यानी एक कंडीशन जहां पे शरीर में किसी भी भाग से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसके लिए भी च्यवनप्राश को जो है एक तरह से इंडिकेट किया गया है। तो इस अफवाह को मैं पूरी तरह से एक तरह से कंट्राडिक्ट करता हूं कि च्यवनप्राश जो है वो ना ठंडा है ना गर्म है, बल्कि एक अद्भुत गुण वाली एक रसायन औषधि है जो 12 महीने सेवन की जा सकती है। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, 12 महीने हर दिन आप 10 ग्राम च्यवनप्राश खा सकते हैं, आपको ना ये ठंडा करेगा ना आपको गर्म करेगा। यदि आपको गर्मी है तो उसको भी बैलेंस करेगा, यदि आपको ठंडी है तो उसको भी बैलेंस करेगा। तो अद्भुत एक रसायन औषधि है जिसको पार्ट ऑफ डाइट बनाना चाहिए हमें। परमेश्वर जी, इसमें एक और भी बात ये सामने आ रही है कि लगातार अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किए जा रहे हैं, आयुर्वेदा के जरिए भी कुछ शोध चल रहे हैं क्या, और अभी अगर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जंग जो है आयुर्वेदा के जरिए जीती जा सकती है, तो उसमें अभी तक कितने कदम हम आगे बढ़ चुके हैं, उसमें कुछ अभी सफलता मिली है या शोध चल रहा है? शुभेंदु, शोध के लिए चाहिए होती है नंबर एक धन, और मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जो है कहीं पर भी आयुर्वेद में ऐसी कोई लैब स्टेब्लिश की हुई है जहां पे जो है इस समय, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पूरा विश्व इस समय अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें, लैब्स की बात करें, जहां जहां भी इस COVID-19 के अगेंस्ट वैक्सीनेशन बनाने की बात हो रही है वहां पर बिना गिने मेरे ख्याल से पैसा जा रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में ऐसी कोई लैब, ऐसी कोई जगह है जहां पर आयुर्वेद की केवल सिंपल सिंपल चीजें, कि अगर हम आज इस वायरस को ट्रेस कर पा रहे हैं, हम ये देखें कि क्या इस वायरस को हम काली मिर्च से न्यूट्रलाइज कर पाते हैं,
क्या हम इस काढ़े में ये न्यूट्रलाइज होता है कि नहीं होता, हम तो जानने के बाद भी देखिए वहां तो अंधेरे में तीर छोड़े जा रहे हैं और यहां तो सीधे रोशनी भी है कि ये सारी चीजें फ्लू के और वायरसेस को आराम से काउंटर करती है। लेकिन क्या हम कोविड में ये कितनी इफेक्टिव है इसको देखने के लिए कहीं रिसर्च नहीं हो रही, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। चलिए ये एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर पंकज वत्स इस बात को भी समझ रहा हूं कि छोटे उद्योगों को जब राहत देने की बात की जा रही है तो हम ऐसे में ये कहें कि आप कुछ मजदूरों को उन कंपनियों के अंदर रखा जाएगा और वहां पर आप फिर उसके बाद वहां पर प्रोसेस शुरू किया जाएगा गाइडलाइन के मुताबिक। अगर हम समझें तो बार बार ये कहा जाए कि गृह मंत्रालय के जो गाइडलाइन होंगे उनका खास तौर पर ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उन कंपनियों के भीतर करवाना कितना मुश्किल होगा, कौन ध्यान रखेगा? देखिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे समाज से, पूरे भारत के समाज से अपना साथ मांगा है, सहयोग मांगा है, इसीलिए उन पर विश्वास करते हुए, उस इंडस्ट्रियलिस्ट पर विश्वास करते हुए और वहां पे कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर विश्वास करते हुए रिलैक्सेशन दी जा रही है। ये बहुत बहुत मुश्किल है। मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जहां पर अगर पॉजिटिव केसेस हैं तो वहां पर बहुत सख्ती के साथ हिदायतों का पालना की जाए, तो ये जो सख्ती की जानी है ये केवल सरकार द्वारा सख्ती की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, वो हम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उन हिदायतों का सख्तियों से पालन करने की तरफ वो इशारा करते हैं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस फोर्स जो इसको इन्फोर्स करा रही थी उसके भी बहुत सारे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर घर में या हर इंडस्ट्रीज में पुलिस के पहरे लगा दिए जाएं, ये संभव नहीं है। इसलिए ये जिम्मेवारी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट की है, वहां पे कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन द्वारा ही इस बात का ध्यान रखा जाना है, तभी संभव हो पाएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में सरकार फैसले ले सकती है और सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। जैसे देखिए हमने पूरी पॉपुलेशन को स्क्रीन करना संभव नहीं है, इसलिए हम सिम्टोमेटिक केसेस देखते हैं कि जहां सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जो इसका बेस है, जांच का बेस बढ़ाने के लिए कुछ एसिम्टोमेटिक केसेस को भी हम, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, उनको भी जांच की परिधि में लेकर आ रहे हैं। तो अब सरकार को ऐसे स्थानों पर उन स्थानों को ऐसी इंडस्ट्रीज को उस परिधि में ले आना चाहिए कि वहां पे वो मास स्क्रीनिंग करें और उसके बाद वहां के और वहां पर भी जो काम करने वाले लोग हैं, अधिकारी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको का भी जांच करें और जांच करने के बाद वहां के करीबन 10-15% लोगों की रैपिड टेस्टिंग भी करें, ठीक है, ताकि पता लग सके कि उस एरिया में, उस जगह में, उस इंडस्ट्रीज में कोई इस तरह का तत्व तो नहीं है। ठीक है, मैं रूबीना जी आपसे भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक परमेश्वर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए शुभेंदु, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है मिस अपार्ट फ्रॉम सोशल डिस्टेंसिंग एंड यूज ऑफ मास्क एंड हाइजीन, हमें तीन लेवल पे काम करना होगा। नंबर एक, हमें इम्यूनिटी को बिल्ड करना होगा। जैसे डॉक्टर रुबीना ने कहा कि इम्यूनिटी एक दिन में बिल्ड नहीं होती, बिल्कुल मैं सहमत हूं कि आप गिलोय का सेवन करें, च्यवनप्राश का सेवन करें, ये वो द्रव्य हैं, और अच्छा खाना खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, ये धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेंगी। एंड इनसे ये भी इंश्योर करें कि आप केवल ये नहीं कि COVID-19 आप बीमार ना पड़े, क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमारी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है। तो हमने इस समय पे बहुत ध्यान रखना है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। एंड इफ वी आर डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, थायराइड पेशेंट, तो हम रेगुलरली अपनी जो भी मेडिसिन है, चाहे एलोपैथिक या आयुर्वेदिक, उनका सेवन करके हम अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को कंट्रोल में रखें। सो पहला लेवल ये है कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें और रसायन द्रव्य जिन्हें हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर बोलते हैं उनका सेवन करें। नंबर दो, हम क्योंकि बाहर जा रहे हैं, हम एक्सपोज हो सकते हैं बट एसिम्प्टोमेटिक है, तो उस वायरस के इनिशियल इन्फेक्शन को इनिशियल स्टेज पे ही काउंटर करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, काली मिर्च, लौंग, इलायची, काढ़ा, गर्म पानी, हल्दी, नमक, इनका प्रयोग करें। फिर ये हमारे इनिशियल स्टेज में अगर COVID-19 आया तो हम उसे वहां पर काउंटर कर पाएंगे। तीसरी चीज, तीसरा होता है कि सिम्टम आ जाए फ्लू का। अब फ्लू का सिम्टम क्या है?
कफ हो जाना, कोल्ड हो जाना, गले में दर्द हो जाना, बुखार हो जाना, यहां पे बड़ा मुश्किल है ये डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये जो है नॉर्मल फ्लू है या कोरोना का इन्फेक्शन है, कोविड 19 का इन्फेक्शन है। तो यहां पर भी मैं ये कहूंगा कि आज आवश्यकता है, क्योंकि शुभेंदु आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा एलोपैथिक जगत जो है वो फ्लू में बोलता है कि फ्लू जो होता है ये तो मानता है कि इन जनरल वायरल ओरिजिन का होता है, लेकिन वो मान के चलता है कि थोड़ा सा सावधानी बरतें तो 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। मुझे लगता है कि अब इस सेंटेंस को बोलना होगा, यदि किसी को फ्लू होता है तो अंग्रेजी में कोई दवा नहीं, लेकिन आयुर्वेद में हमारे पास काफी दवाएं हैं। फिर मैं नाम लेना चाहूंगा, त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, इवन सीतोपलादी चूर्ण, ये वो दवाएं हैं जिनको सिम्टम्स आने पे, यानी कि सिंपल कफ कोल्ड होने पे भी आपको 5 दिन वेट नहीं करना, पहले दिन से शुरू करना है। हाँ, तो बेसिकली शुभेंदु बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, सरकार को ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जब हम हमारे पास इलाज है तो हमें बिल्कुल, शुभेंदु एक बार एक और बोलना चाहूंगा कि हमें जो है सीधे सीधे गाइडलाइन 3 स्टेजेस में देनी है। पहली स्टेज जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, दूसरी स्टेज जो एसिम्प्टोमेटिक जब हम हैं और अनफॉर्चुनेटली हमें हो सकता है संभावना के चलते हमें कौन सी दवाई लेनी है, और तीसरा यदि हमें फ्लू होता है वो किसी भी तरह का फ्लू है हमें इमीडिएटली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, सो दैट बात जो है वो वेंटिलेटर तक, हॉस्पिटलाइजेशन तक, आइसोलेशन तक ना पहुंचे, बिल्कुल बिल्कुल उस स्थिति में ना है, पहले से ही हमें क्योर करना होगा। इसमें रूबीना, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियों को अब कुछ हद तक राहत दी जा रही है, तो ऐसे में जब कुछ लोग, हम इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि दिल्ली के अंदर जो पिज्जा डिलीवरी बॉय है वो कोरोना संक्रमित पाया जाता है, उसके वजह से बाकी लोग भी उससे इफेक्टेड हो जाते हैं, तो ऐसी चीजें ना हो तो उसका अब बहुत ज्यादा एहतियात करना होगा, तो ई कॉमर्स कंपनियों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए मैं समय ये समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी खुद निभानी है, ना ही इसमें कोई कंपनी का सीईओ इसमें कोई ध्यान दे सकता है कि अंदर माइक्रो लेवल पे कंपनी में क्या हो रहा है, क्या वो स्पेसिंग रख रहे हैं, क्या वो अल्टरनेट तरीके से लोगों को बुला रहे हैं, इतने माइक्रो तरीके में सरकार नहीं देख पाएगी। सरकार का साथ दें, सभी लोगों को सरकार का साथ देना चाहिए इस टाइम पर, सिर्फ अपने आप को बेसिक इंटेलिजेंस करके, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, मास्क ले लो, सैनिटाइजर रख लो, तो ऐसे करके आप माइक्रो लेवल पे चेक नहीं कर सकते हर इंसान को कि क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रिकॉशन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि हर इंसान को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। पंकज जी, इसमें मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ और दर्शक भी ये जानना चाह रहे हैं कि यदि कोई पार्सल आता है वो आपके घर तक पहुंचता है तो आपको सबसे पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, सैनिटाइज उसको करना है, घर में आने देना है पार्सल, क्या क्या करना होगा? देखिए जब हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो दो काम करते हैं, एक तो हम अगर मान लो कैश डिलीवरी है तो उसमें कैश डिलीवरी उसको करते हैं और उससे वो सामान लेते हैं, अगर पहले से पेमेंट की गई है तो अलग बात है। तो आप कैश जब उसको दें तो जितने का बिल आपका है उतनी की चेन आप ऑलरेडी पहले से तैयार रखें और उसको जितने पैसे आए हैं उसको उसी रूप में वो दे दें, वहां पर उसको दे, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं हो एक्सचेंज ऑफ आप जो है वो नहीं करें इसको, पैसे का लेन देन ना करें। दूसरा ये कि वो जहां पर वहां पर आते हैं तो आपने वो लिया है तो उस कार्डबोर्ड का वहीं पे खोल के जो अंदर का सामान है उसे आप निकाल लीजिएगा और उसको वहीं बाहर रखे हुए जो आपका डस्टबिन है उसी में उस कार्डबोर्ड को डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज है जिसको वॉश किया जा सकता है तो उसको आप वॉश कर लीजिएगा, और अगर वॉश नहीं कर सकते हैं तो देखें कि आप उसको अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो उस समय इसका सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं करें, और ये चीज एक ऐसी जगह पर रखी जाए जहां बार बार बाकी परिवार के लोग टच ना करें और फिर अपने हैंड वॉश कर लें, ठीक है, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं। क्योंकि देखिए बाहर का कार्डबोर्ड जो है उस पर भी हो सकता है, जो अंदर पैकिंग करते हुए जो अगर पैकिंग बॉय को अगर ये इन्फेक्शन हुआ तो भी अंदर संक्रमण हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए, जहां तक प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए, ठीक है। इसमें परमेश्वर जी, इसमें आयुर्वेदा के जरिए भी कुछ है कि अगर ऐसा होता है तो किस रूप में और एहतियात बरता जा सकता है? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर बस से कि हमें जो है पहली बात तो कोशिश ये करनी है कि इस समय जितना बाहर से ट्रांजेक्शन जो है वो हम कम करें, वो उतना ही हम फायदे में रहेंगे, चाहे वो हमारे खाने की चीजें हैं, वो हम घर की बनी हुई चीजें खाएं, और बाकी बाहर से इस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये आइटम है, जब तक बहुत
अनअवॉइडेबल नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बाहर का आउटर कवर है उसको बाहर ही डिस्कार्ड कर दें, डस्टबिन में डाल दें, चीज अंदर आए अगर वो धोने वाली है तो धो सकते हैं, नहीं धोने वाली है तो उसे एटलीस्ट 12 घंटे 14 घंटे अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसे किनारे ऐसी जगह रखें जहां पे वायरस अगर उसके ऊपर है तो वो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इस तरह से प्रिकॉशंस ले, लेकिन कोशिश तो यही करें। और एक बहुत अच्छा पॉइंट ये बताया कि आप वैसे तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं लेकिन उससे जो है जो उसी का हाथ लगा हुआ कंसी लेते हैं उसे आप गिनते हैं, उसे घर में ले जाते हैं, अपने बेड पे रखते हैं, फिर और लोग भी छूते हैं। तो करेंसी का डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको अगर पता है कि कितना पैसा देना है तो आप अंदर से उतना ही काउंट करके लाएं, उससे एक्सचेंज ऑफ करेंसी ना करें, उससे वो बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। ठीक है, इसमें आप जरा सोशल मीडिया पर जो अफवाहें इस वक्त चल रही हैं जरा उनको भी जरा शामिल कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो ये सोच रहे होते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा क्योंकि युवाओं के अंदर ये ज्यादा संक्रमण नहीं होता, उतना घातक नहीं होता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उनके लिए क्या है इसमें परमेश्वर जी? देखिए, फिर हम ये कह रहे हैं कि एक घर में एक युवा जो है वो इन जनरल अकेले तो रहता नहीं है। मान लिया कि हम ये कोरोना वायरस इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिन लोग युवा हैं उनको ये कम घातक है उनके लिए, लेकिन उनके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, जब आप युवा बाहर जाता है तो वो तो बच के आ जाएगा, लेके इन्फेक्शन आएगा तो भी शायद बच जाए सौभाग्यशाली रहा तो, लेकिन वो भी डिपेंड करता है शुभंदु कितना इन्फेक्टेड हुआ है। अगर कोई हाईली इन्फेक्टेड है तो डेफिनेटली उसको भी ये डेंजरस हो सकता है। तो हम कहीं से ये नहीं कह रहे कि युवा जो इससे प्रभावित नहीं हो सकता, युवा प्रभावित हो सकता है, लेकिन अभी तक आंकड़े ये बताते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं युवा जो है वो कम प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जब वो घर में आता है और अपने माता जी पिताजी से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, लेडीज से मिलता है, तो यहाँ पे जो है वो अगर उनको ये ट्रांसफर कर दे तो उनके लिए घातक हो सकता है। तो आप अपने नहीं मरेंगे लेकिन दूसरों के मरने में बहुत अच्छे से साधन बन सकते हैं, तो आपको इस तरह का दुस्साहस नहीं करना है। और शुभेंदु यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एक हेल्दी लेडी भी जब अपने मेंस्ट्रुएशन टाइम में होती है, जब अपने पीरियड्स के टाइम पे होती है, तो उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इट्स ए वेरी नेचुरल फिनोमिनन। तो आप ये ध्यान रखें कि हमारी माताएं बहनें जो मेंसेस से हैं वो उस समय बहुत ही एहतियात बरते हैं। ये पॉइंट मैं कई बार मेरे दिमाग में आया लेकिन मैं आज इसको मेंशन कर रहा हूं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इवन ए यंग लेडी उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो प्लीज मेरी उन बहनों से, माताओं से गुजारिश है और उन युवाओं से भी गुजारिश है जो घर में हस्बैंड वाइफ रहते हैं कि आप मेल अगर बाहर जाता है और आपकी वाइफ पीरियड्स में है तो उस समय आपने उसको बहुत ध्यान देना है, बहुत केयर करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं जरा जल्दी से एक एक रिएक्शन ले लेता हूँ डॉक्टर पंकज वत्स। मैं जरा यही समझना चाह रहा हूँ कि अब नई नई शोध सामने आ रही हैं, लगातार वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अभी ये कहा जा रहा है कि HCQ एक ऑल्टरनेट हो सकता है, BCG के बारे में भी हालांकि इसको इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं इसका, तो अभी तक हम किसी निर्णायक स्थिति में पहुंच चुके हैं? अफवाह ये भी चल रही है, ये कहा भी जा रहा है सोशल मीडिया पर कि अब कोरोना की दवा तैयार हो चुकी है, सर्कुलेट होना बाकी है। अफवाह नहीं है, नहीं देखिए अफवाह नहीं है। मॉडर्न साइंस जो है वो जानकारियों पर आधारित होती है, रिसर्च पर आधारित होती है। अब जो जानकारी इस बारे में मिल रही है उसमें इवन नोबेल प्राइज विनर जो हैं फ्रेंच भी हैं और एक और दूसरी कंट्री के भी हैं, उन्होंने बताया है कि ये वायरस जो है शायद HIV के जो की वैक्सीन इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने के लिए इस पर रिसर्च की जा रही थी, वहां से ये वायरस डेवलप हुआ है और उसमें कहीं कहीं मलेरिया के भी इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तभी आप देख रहे होंगे कि ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पे और डॉक्टर्स के माध्यम से भी थी कि इसमें एंटीवायरल जो HIV ड्रग्स हैं उनका कहीं कहीं पे इस्तेमाल किया गया और HCQ का भी कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद उसके पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल खाली अफवाह में नहीं कह सकते हैं। अगर खाली अफवाह होती तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को भारत के साथ अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसने मिलियन ट्रिलियंस की जो HCQ अपने देश में मंगाई है और बाकी देश भी फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें स्थिति ये है। और जहां तक आप इसके बारे में रिसर्च जो है, देखिए पता लगने के बावजूद भी जब तक उस पर प्रॉपर ट्रायल नहीं होते और उसके बाद ह्यूमन ट्रायल्स नहीं होते और उसके कमर्शियल वैक्सीन बनाने के संसाधन तैयार नहीं होते तब तक इस चीज को पब्लिक में नहीं ले जाया जा सकता। क्योंकि इस पे लोगों के जीवन जो है वो तय मानक होते हैं, इसके बारे में पूरी रिसर्च होती है। तो अभी तक जो वैक्सीन है वो मुझे लगता है कि वर्ष के अंत तक आएगी या जनवरी के पहले सप्ताह में आएगी।
ठीक है रुबीना जी, कुछ कहना चाहिए? आंकड़ों की बात है जी, आप एक बार देखिएगा अलग अलग। जी पंकज जी देखिए, आप देखिएगा हरियाणा में अभी तक 18,000 जो हैं ऐसे लोगों की जांच की जा चुकी, हरियाणा में 12,687 के करीब जो है वो लोगों की जांच की गई, उसमें से केवल 250 संक्रमित मिले हैं और उसमें से अभी 143 ही एक्टिव हैं, 104 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं और कोई डेथ रेशियो नहीं है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इस इन मानकों से हम कुछ चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, निर्णायक नहीं है ये। ठीक है, निर्णायक नहीं है, हम ये मान सकते हैं कि लोगों ने यहाँ काफी सोशल डिस्टेंस किया। चलिए ठीक है, ठीक है, इन चीजों को हमें ध्यान रखना होगा, लेकिन शोध आगे चल रही है, लगातार अच्छे परिणाम भी उसके मिल रहे हैं, लेकिन कुछ समय और चाहिए जब पूर्ण रूप से हम तस्वीर साफ कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, परमेश्वर जी, पंकज वत्स जी और रुबीना जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ सभी को समझाने की कोशिश की है कि जो इस वक्त सवाल चल रहे हैं उनका जवाब भी उनके द्वारा दिया गया, सोशल मीडिया पर जो बहुत सी अफवाहें या बहुत सारे जो सवाल चल रहे हैं उनका जवाब दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जाने से पहले आपको, आपके सामने एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप अपने घरों में रहें, लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करें, नियमों का पालन करें और अपने आप को बचाने के साथ साथ देश का भी सहयोग करें। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।